जवाई सा अब थे पधारे हो तो हनुमान गली का टावरा ना समझाता जायो कि इतनो तेज इतनो रुआब और इतनो अच्छो व्यक्तित्व कठे से पाया, शक्ल सुधर जावेगी टावरा की। व्यक्तित्व तो इंसान के अंदर के सुख दुख का दर्पण होता है, अपने पसंद के व्यक्ति से दूर जाने पर मुरझा जाता है और उसके पास आने पर फिर से खिल उठता है। और अगर पसंद किया हुआ व्यक्ति कनक जैसा हो तो व्यक्तित्व तो अपने आप ही चमक उठेगा। इसकी तो मैं वंश नहीं। तो कनक सबसे पहले तू ही पूजा कर ले। वैशाली पूजा की थाली दे दे। हमारी सोच से ज्यादा खतरनाक है। इस पर तो बेइज्जती का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितनी ताकत से हम इसे दूर भेज रहे हैं, उसे दुगनी ताकत से लौट के वापस आ रहा है। आज भी ये जानता था कि सबके सामने कोई तमाशा नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबके सामने आया है। और अब इसका ऐसा तमाशा होगा कि आइंदा कनक का नाम लेने की जरूरत तक नहीं करेगा। देखो देखो चांद निकल आया। सब भरतार अपने अपने लुगाइयों का व्रत खुलवा दो। नई नवेली बीनणी की शर्म तो देखो। रकुण बोल लगो कि या भाई कनक है जो आपका मन पसंद राजकुमार से ब्याह करने के लिए घर से भागी थी। चलो कनक अपना व्रत तोड़ लो। बाबू इस उमा नाम की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है मैंने। आज तो आप दोनों ने हनुमान गली की तीज को यादगार बना दिया। अब कनक तो चांद देख कर व्रत खोलेगी और आप अपना चांद न जी भर कर देखो। हाँ चलो कनक व्रत खोल लेते। जा कनक अब इतना भी क्या शर्माना। अरे इतना शर्माएगी तो चांद भी तुझे देख के पिघल जाएगा। हाँ।
सपने में भी उम्मीद नहीं होगी कि इसके साथ क्या होने वाला है। किस भाषा में समझाऊं तुम्हें उमा? जबरदस्ती थोपे गए रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये तुम्हारा लाडनू नहीं है, जहां तुम्हारी कई हर बात कानून बन जाएगी, तुम्हारा हर किया गलत भी सही हो जाएगा। बहुत पीछे छोड़ आई हूं मैं तुम्हें, तुम्हारे इस रिश्ते को, तुम्हारे परिवार को। अब मैं अपनी दुनिया में हूं, समझे तुम? क्यों बार बार आ जाते अपना अधिकार जताने, मुझ पर, मेरे परिवार पर जबरदस्ती अपना रिश्ता थोपने के लिए? क्यों चाहते हो कि मेरा परिवार तुम्हारे खिलाफ कोई गलत कदम उठाए? क्या हासिल होगा इससे? तुम्हें लगता है कि हमारा फैसला बदल जाएगा? नहीं, कभी नहीं। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, हमारा फैसला नहीं बदलेगा। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो और लौट जाओ अपनी दुनिया में, प्लीज। चांदनी रात में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे ये सूखे हुए होंठ, ये मुरझाया सा चेहरा, जानती हो सब क्या बता रहे हैं? यही कि तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। जरूरत से ज्यादा नहीं, तुम्हारी जरूरत के बारे में सोच रहा हूं। तुम दुनिया के सामने चाहे जितने मर्जी सीता गीता के खेल खेलो, पर मुझसे कुछ नहीं छुपने वाला। मैं तुम्हारे हर रूप से परिचित हूं। ये तुम्हारा खिलखिलाता सा चेहरा जो आज मुरझा सा गया है, ये साफ बता रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तीज का व्रत रखा है तुमने मेरे लिए, मेरी लंबी उम्र के लिए पूरा दिन भूखी रही हो तुम। याद है ब्रह्म मुहूर्त में ना उठने की वजह से तुम नाश्ता नहीं कर पाई थी। 2-3 घंटे भूख ना सहने वाली कनक आज पूरा दिन भूखी रही, वो भी तब जब उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। अगर ये व्रत नहीं है तो फिर अपने घर में सारा दिन भूखी क्यों रही थी? और तुम कहती हो हमने कुछ नहीं बदला, किस पर विश्वास करो? उस कनक पर जो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, या फिर इस कनक पर जिसने आज मेरे लिए तीज का व्रत रखा है? तुम जानती हो ना मैं एक वैद्य हूं, नाड़ी देखकर रोग पहचान लेता हूं, मुझसे कुछ नहीं छिप सकता। तुम मेरे हाथों व्रत नहीं तोड़ना चाहती तो कोई बात नहीं, पर इसे खा लो। मायके में लड़की भूखी रहे अच्छा शगुन नहीं होता।
चल यहाँ से। एक मिनट भाई। प्लीज आइंदा यहाँ वापस मत आना। मुझे रिश्ता नहीं रखना। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी उमा। बीस दिन साथ रही हो तुम, इतना तो जान ही चुकी होगी कि मेरा किसी चीज पर विश्वास है तो उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं सुबह आ रहा हूं तुम्हारे मायके से, तुम्हें ले आने। जरूर आना, इंतजार रहेगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? इस उमा नाम की बीमारी का इलाज करने, ताकि आइंदा ये जबरदस्ती हमारी शराफत का फायदा ना उठाए। पर भैया कनक, हम सबने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। देख तू वेद और वंश के साथ जा, तुझे सब समझ आ जाएगा। हाँ कनक, अभी ये सब करना जरूरी है। चल 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 चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।